एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद केके में। आज का जो हमारी वीडियो है एमए सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नोर कर रहे हैं, आज हमारी बुक का नाम है MGPE 10। इसको द्वंद्व प्रबंध परिवर्तन और शांति निर्माण भी बोलते हैं। तो इसे मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की हैं, बट उसमें आंसर नहीं है, बट ये वाली जो वीडियो इसमें आपको आंसर भी मिलेंगे। तो इसमें आज एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसके बाद और वीडियो भी अपलोड करनी है मेरे को। इसमें ओनली 5-6 क्वेश्चंस हैं, बाकी और भी वीडियो अपलोड करनी, मेरे को आपको 20 क्वेश्चंस के अराउंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है संघर्ष समाधान के विभिन्न तकनीकों की क्षमता पता कीजिए, कि जो संघर्ष समाधान होते हैं उसके विभिन्न तकनीकी क्या हैं, या फिर क्या क्या किस माध्यम से संघर्ष कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें बताया जाएगा कि जो संघर्ष होता है वो बातचीत के माध्यम से, समझौते के माध्यम से, जो हम संधियां करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, इन सब के माध्यम से जो संघर्ष होता है उसको कम किया जा सकता है। ये मैं आपको ओवरऑल बस बता रही हूँ, ऐसे क्या आना है आगे। इसमें बस ये है कि अगर आपको संघर्ष का समाधान करना है तो एक बीच में जिस दो इंसानों या जिस दो कंट्री के बीच में संघर्ष हो रहा है, एक बीच में इंसान होना चाहिए या कोई होना चाहिए, या फिर कोई भी जो उन दोनों को शांत करे, बातचीत करवाए, है ना। ये सब चीज़ें आपका संघर्ष समाधान की तकनीकें बताया जा रही है। बाकी आप इसको बहुत ईजी लैंग्वेज आप पढ़ोगे एक बार, आपको समझ आ जाएगा। और इसमें भी ज़्यादा लेंथी नहीं रखे हैं, 10 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने इसमें आंसर आपके रखे गए हैं, क्योंकि 10 नंबर के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आते हैं आपका, तो आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप उस पर मेरे को व्हाट्सअप करके इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है संघर्ष के विभिन्न स्रोत्रों की चर्चा, कि संघर्ष जो होता है उसके विभिन्न स्रोत्र क्या होते हैं, किस कैसे हो जाता है संघर्ष, क्यों हो जाता है। तो देखिए संघर्ष कैसे होता है, देखिए माँ बोरे की आपको पता है कि जो हम रहते हैं जिस समाज में, वहाँ पे रिश्ते होते हैं, है ना, और वर्ग होते हैं, तो इनों के बीच ही तो संघर्ष उत्पन्न होते हैं। जैसे कि संघर्ष क्या है कि लड़ाई झगड़ा जो हो जाता है, या फिर हम किसी से जलिस फील करते हैं, ठीक है, ये सब संघर्ष हैं। तो ये आपको पता है हर जगह हो जाता है, चाहे वो फैमिली हो या फिर समाज हो या धर्म जाति के ऊपर हो। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि संघर्ष के बहुत सारे स्रोत्र हैं, तो वो सब इसमें है। जैसे कि अमीर ज़्यादा अमीर हो रहे हैं तो गरीब उससे मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा, तो वो संघर्ष उसमें हो जाएगा, है ना। गरीबियों के कारण भी बहुत संघर्ष होते हैं, और जो जाति के ऊपर है वो अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करते हैं, हमारी पहचान ना खो जाए। तो ये सब चीज़ आप इसमें पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट है संघर्ष मूल्यांकन में बड़ी चुनौतियाँ क्या आती है, जब हम किसी भी संघर्ष का मूल्यांकन करते हैं, उसको हैं परखते हैं, तो चुनौतियाँ क्या आती हैं हमारे सामने। तो वो इसमें बताया जा रहे हैं कि चुनौतियाँ बहुत सारी आती हैं। देखें क्या होता है, अगर किसी भी संघर्ष का हम समाधान कर रहे हैं और उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हमें पहली बात तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से संघर्ष उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, है ना, और क्यों हुआ, ये सब हमें देखना पड़ता है। कभी कभी कोई जो हम जिसको ये काम दे रहे हैं वही सही ना हो, है ना, उसको अच्छे से ज़्यादा परख ना हो किसी चीज़ की, उसके पास समृद्धि की थोड़ी कमी हो, ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, है ना। तो वही सब इसमें बताया जा रहा है, तो आप इसको पोस्ट कर, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट को आपको याद करना है, उसके में ब्रीफली जो समझाया जाता है इसको ओनली रीड करना है, फिर एग्ज़ाम में आपको पॉइंट लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन आप सब कर लेना और इजी लैंग्वेज आपको समझ भी आ जाएगा। इसकी PDF लेनी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर होगा वहाँ से इसके प्राप्त कर सकते हैं। और जो PDF में होगा, एक आपको मतलब कि एक PDF में 5 क्वेश्चन है, बट आगे जो PDF में बनाऊंगी उसमें 7-8 क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे आपको 3 से 4 PDF मिलेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष प्रबंधन से आप क्या समझते हैं वो बताना है। उत्तर यहाँ से स्टार्ट है, आंसर आपका इसके साथ ही ज्वाइंट हो गया ये। तो जो संघर्ष प्रबंधन होता है उसके बारे में बताना कि कैसे उसका प्रबंधन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए संघर्ष प्रबंधन में यही है कि आप अगर आपके कोई लक्ष्य होते हैं, आप कोई चीज़ का एम रखते हैं, ठीक है, हम कुछ भी चीज़ चाहते हैं, जब वो पूरी नहीं हो पाती है,
या उसको पूरा अगर कर लिया जाए तो संघर्ष प्रबंधन हो जाएगा, पर पूरा नहीं हो पाएगी तो वही फिर संघर्ष चलता रहेगा चीज़ों में, है ना। ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं पोस्ट करके। इसमें जो पहले देते ये जो सब सब बताया जा रहा है इसको पढ़ लीजिए, ईजी है बहुत। और देखिए स्टूडेंट, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ एक्सप्लेन वाली, और एक्सप्लेन के ऊपर ही बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैम प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा। तो देखिए मैं वीडियोज़ एक्सप्लेन करती हूँ और बनाती भी हूँ, बट अभी थोड़ा टाइम प्रॉब्लम है, बट तब भी मेरे पास जितना भी टाइम मिल रहा है मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही हूँ। जैसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, फिर कोई भी जानकारी होती है, या फिर आंसर वाली PDF होती है, तो जितना टाइम मिल पा रहा है मैं उतना ही काम कर पा रही हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत के लिए क्यों आवश्यक है? 2002 में भारत द्वारा अफगानिस्तान में चलाए जा रहे पुनर्निर्माण और इसका वर्णन कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये चार तरीके से आपके पास आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहले तो अफगानिस्तान में शांति निर्माण के ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड बन सकता है कि भारत क्यों अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है ना। फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि 2002 में जो भारत ने अफगानिस्तान के लिए काम किया उसके बारे में, या फिर और किसी तरीके से भी आ सकते हैं। तो आपके जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन आपको बताए हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप एक ही क्वेश्चन को रट्टा मत मारिएगा कि ये क्वेश्चन का खाली यही मतलब है और ऐसे एज इट इज़ आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज इट इज़ बिल्कुल नहीं आ सकता, बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो एज इट इज़ आपको मिलेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को लैंग्वेज जो होती है वो घुमा के दी जाती है। अब जैसे कि परिवर्तन का मतलब रूपांतरण भी होता है, ठीक है, संघर्ष को द्वंद भी बोलते हैं, तो ये सब वर्ड आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे पूछे जा सकता है। अब हाँ संघर्ष ना लिखा आ सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्वंद प्रबंधन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि द्वंद और संघर्ष एक होता है। तो ये सब आपको चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, इसी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और हमें लगता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से कुछ आया नहीं है या फिर आया ही नहीं, तो इसलिए आप ध्यान रखा कीजिए कि क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन आपको हिंदी में टफ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो पेपर में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलता है। कभी भी कोई क्वेश्चन की आप याद करते हैं तो उसको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखा कीजिए, ट्रांसलेट करके कि हाँ इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में लैंग्वेज कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश में वही वर्ड रहता है, परंतु हिंदी में आपको पता है कितने ज़्यादा पर्यायवाची होते हैं तो वो बदल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस यहीं तक ही था, आगे समाप्त है। तो बस यही मेरा आपको कहना है कि जो क्वेश्चंस हैं इनको आप सबको, सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में जरूर ट्रांसलेट करा कीजिए, और जो प्रबंधन है उसका मतलब क्या होता है ना, परिपेक्ष मतलब होता है, रूपांतरण का क्या मतलब होता है, संघर्ष का क्या मतलब होता है, ये सब जब इंग्लिश में आपको पता चल जाएगा तो क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश से आपको समझ आ जाएगा हाँ ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने किया, क्योंकि मैं अपने सारे एग्ज़ाम ऐसे ही अटैम्प्ट करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। क्योंकि मैं अब जिस फील्ड में एग्ज़ाम दे रही हूँ वहाँ पे उसकी हिंदी बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो मैं क्या करती हूँ कि क्वेश्चंस को मैं हमेशा इंग्लिश में पढ़ के जाती हूँ, इंग्लिश में देख के जाती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे पता है कि वो नहीं आएगी लैंग्वेज, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी ये बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, आगे मैं आपके लिए और वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।